तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लोकी वेरिएंट टीवीए के एक एक एजेंट को मार रहा था और एजेंट मोबियस चाहते थे लोकी उनकी हेल्प करे। लेकिन क्या ये चतुर लोकी उनकी हेल्प करेगा या फिर वो टीवीए वालों को ही चूना लगाएगा, पता चलेगा हमें इस एपिसोड में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम हंटर C-20 और टीवीए के मिनिटमैन्स को 1985 में ट्रैवल करते हुए देखते हैं। उन्हें हिंट मिला था कि लोकी उस ईयर में छुपकर बैठा है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए वो वहाँ पर जाते हैं। वो चुपके से C-20 के पास आता है और उस पर अपना जादू चलाता है, जिससे C-20 पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में आ जाती है और फिर वो वही करती है जो लोकी उससे करवाना चाहता था। वो सारे मिनिटमैन्स को मार डालती है और उसके बाद खुद बेहोश होकर गिर पड़ती है। फिर लोकी रिसेट टाइमर चुरा कर एक पोर्टल खोलता है और C-20 को उठाकर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोकी को टीवीए में जॉब मिल चुका है और अब वो टीवीए के लिए काम करेगा और उसका फर्स्ट मिशन है लोकी वेरिएंट को ढूंढ निकालना। इसलिए मोबियस, हंटर B-15 और लोकी मिलकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 1985 में ट्रैवल करते हैं, जहाँ से हंटर C-20 को गायब किया गया था। अब लोकी को पहले ही पता चल जाता है कि लोकी का वेरिएंट वहाँ पर नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में कोई और ही प्लान चल रहा था, इसलिए वो झूठ बोल के उन लोगों का टाइम पास करता है। लेकिन मोबियस को जल्दी पता चल जाता है कि लोकी झूठ बोल रहा है, इसलिए वो लोग सब वापस टीवीए पहुंच जाते हैं। अब मोबियस लोकी से नाराज़ होकर उसे बोलता है कि तुम्हारे पास एक लास्ट चांस है, जाकर केस फाइल को स्टडी करो और पता लगाओ कि लोकी का वेरिएंट इस वक्त कहाँ होगा। तो लोकी टीवीए के लाइब्रेरी में जाता है, लेकिन यहाँ पर लोकी अपना लोकीपन दिखाता है। वो लाइब्रेरियन से ऐसी फाइल्स की डिमांड करता है जिनमें टाइमलाइन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन उसकी कोई भी चाल काम नहीं आती और लाइब्रेरियन उसे वो फाइल देती है जिसमें सिर्फ लोकी की इन्फॉर्मेशन है। उस फाइल में लोकी एसगार्ड के डिस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ता है और उसे पता चलता है कि उसमें करीब 10,000 लोगों की जान गई थी। लोकी काफ़ी इमोशनल होता है और तभी उसे एक हिंट मिलता है जिससे वो लोकी के वेरिएंट को पकड़ सके। वो मोबियस के पास जाता है और उसे सब कुछ एक्सप्लेन करके बताता है। वो बताता है कि अगर किसी जगह पर ज्वालामुखी या सुनामी या किसी तरह का नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, उसके कुछ समय पहले अगर वेरिएंट वहाँ जाता है और कुछ भी करके नई टाइमलाइन क्रिएट करता है, तब भी डिजास्टर आने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा और टीवीए को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। और इसे लोकी ये थ्योरी बनाता है कि लोकी का वेरिएंट डिजास्टर की आड़ में छुपकर बैठा है। लोकी की थ्योरी में दम तो था, लेकिन मोबियस को उसके ऊपर भरोसा नहीं था, पर फिर भी लोकी उसे कन्विंस कर लेता है। और इस चीज़ का प्रैक्टिकल करने के लिए वो लोग पोम्पे जाते हैं 79 AD में, जहाँ पर ज्वालामुखी फटने से कयामत आने वाली थी। उससे पहले ये दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं और मोबियस वहाँ पर रिकॉर्ड करके देखता है तो उसे वहाँ किसी भी तरीके का वेरिएंस रिकॉर्ड नहीं मिलता, यानी लोकी की थ्योरी काम करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोकी और मोबियस डिस्कशन कर रहे हैं और उसी बीच मोबियस को क्लिक होता है वो बच्चा जो हमने फर्स्ट एपिसोड में चर्च में देखा था। उस बच्चे के पास एक टॉफी बॉक्स था जो लोकी वेरिएंट ने ही सबूत के तौर पर छोड़ा था। अब मोबियस बताता है कि अर्थ पर 2047 और 2051 के बीच में ये कैंडी बेची जाती थी, यानी कि अब उन दोनों को मिलकर सिर्फ ये पता लगाना है कि 2047 और 2051 के बीच में जितने भी नेचुरल डिजास्टर हुए हैं, उनमें से कौन से डिजास्टर में लोकी का वेरिएंट छुपकर बैठा है। फिर दोनों इस चीज़ के रिसर्च में लग जाते हैं और लोकी ढूंढ निकालता है कि लोकी का वेरिएंट 2050 में अलाबामा में हो सकता है, क्योंकि 2050 में जब तूफान आया था तो तूफान से बचने के लिए लोग रॉक्सकार्ट नाम के डिपार्टमेंटल स्टोर में छुप गए थे और शायद लोकी के वेरिएंट ने वहीं से कैंडी बॉक्स का सबूत भेजा था। फिर मोबियस रेनस्लेयर से परमिशन लेता है और सब मिलके 2050 में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते ही मोबियस और गार्ड्स एक तरफ और लोकी और हंटर B-15 दूसरी तरफ लोकी के वेरिएंट को ढूंढना शुरू करते हैं। लोकी और हंटर B-15 को एक आदमी दिखाई देता है जो इतने तूफान के अंदर भी शॉपिंग कर रहा था, तो उन लोगों को शक होता है कि कहीं ये लोकी का वेरिएंट तो नहीं। हंटर B-15 उसके पास जाती है, तभी वो आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। असल में वेरिएंट लोकी इस आदमी के बॉडी में ही छुपा हुआ होता है और अब वो हंटर B-15 के बॉडी में एंटर कर लेता है। इधर मोबियस एंड टीम हंटर C-20 को ढूंढ निकालती है, लेकिन वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि उसने भूत देख लिया हो। असल में लोकी वेरिएंट ने C-20 को किडनैप इसीलिए किया था क्योंकि वो टीवीए के बारे में सब कुछ जानना चाहता था और टीवीए के बारे में इन्फॉर्मेशन टीवीए का आदमी ही दे सकता है। उसने बहुत ही बुरी तरीके से उसे ट्रीट किया होगा, इसलिए C-20 की हालत ऐसी हो गई थी। इधर लोकी वेरिएंट रैंडी नाम के एक लड़के के बॉडी में एंटर हो जाता है। लोकी उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे ऑफर भी देता है कि वो दोनों मिलकर टीवीए पर राज करेंगे, लेकिन लोकी वेरिएंट को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसके कोई और भी प्लान्स हो सकते हैं। फिर रैंडी वहाँ से गायब हो जाता है और एक दूसरा आदमी वहाँ पर आता है। वो एक काउंटडाउन डिवाइस लेकर आता है, उसे वहाँ पर रखता है और उसके बाद लोकी की पिटाई करता है। कुछ समय के बाद उस आदमी के बॉडी से लोकी का वेरिएंट बाहर निकल जाता है और फाइनली खुद का चेहरा दिखाता है अपनी हुडी को हटाकर,
और हम देखते हैं कि लोकी वेरिएंट असल में लोकी का ही फीमेल वर्जन है, और यहाँ पर वो गुत्थी सुलझ जाती है कि क्यों लोकी का जेंडर फ्लूइड लिखा हुआ था, क्योंकि लोकी मेल और फीमेल दोनों ही बन सकता है। इससे पहले कि लोकी उससे कुछ बातचीत कर पाए, काउंटडाउन ख़त्म हो जाता है और जितने भी रिसेट चार्जर लोकी के वेरिएंट ने चुराए थे उन सब के नीचे एक पोर्टल खुलना शुरू होता है और सारे रिसेट चार्जर्स उन पोर्टल्स के अंदर चले जाते हैं, जिससे कई सारी टाइमलाइंस क्रिएट हो जाती है, जिससे टीवी पूरी तरीके से हिल जाता है। इधर लेडी लोकी एक पोर्टल खोलती है और उसके अंदर चली जाती है। ये सब कुछ इतने फास्ट होता है कि लोकी के कुछ समझ नहीं आता कि उसे करना क्या चाहिए, लेकिन टीवी से छुटकारा पाने का यही एक रास्ता उसे नज़र आता है, इसलिए वो उस पोर्टल के थ्रू चला जाता है। क्या आप सोचते हो कि लेडी लोकी इस सीरीज़ की विलन होगी? मुझे तो ये थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, क्योंकि थोर की फर्स्ट मूवी में लोकी विलन था, लेकिन अब वो हीरो बन चुका है और हम सब उसके फैन बन चुके हैं। तो ऐसा ही लेडी लोकी के साथ भी तो हो सकता है। तो इस सीरीज़ में विलन कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपको पता है तो कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड होते ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।